हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर वो मतलब नया उस्मानाबादी ब्रीड रखना चाह रहा हूँ मैं, हाँ एक दो, लेकिन उसमें भी दूध में अच्छा मतलब 2 लीटर तक भी रहता ना सर, हाँ ऐसा ब्रीड कहाँ कौन से फार्म पे मिलता सर? मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ इसीलिए इतना फ्री में पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं देखो, उस्मानाबादी ये जो नस्ल है ना, ये दूध का जी नस्ल नहीं है। नहीं है। तो हाँ इतना 2-3 लीटर दूध देने वाली बकरी तो उस्मानाबादी में मिलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। नहीं, 3 नहीं सर, 2 भी नहीं मिलता। नहीं, 2 भी नहीं मिलता। अच्छा हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा दूध अगर देना है तो आपको चाहिए, आपको तो आपको दूध देने वाली नस्ल संभालना होगा। हाँ, नहीं, सर उस्मानाबादी चाहिए, लेकिन उसमें ज्यादा वाला मतलब कम से कम अगर 1.5 लीटर तक भी मिल गया हाँ, तो। 1-1.5 लीटर वाला मिल जाएगा कुछ जानवर। अच्छा हाँ हाँ, ये अपने फार्म पे रहते सर या कोई दूसरा फार्म का एड्रेस आप देते सर? हाँ नहीं, मेरे पास तो जो है उसमें तो सच बोले तो इतना दूध देने वाला कोई जानवर नहीं हमारे पास तो। मैं मतलब अपनी बात होने के बाद आपको एक YouTube का वीडियो शेयर करता हूँ सर। हाँ उस्मानाबाद मतलब हीरापुर कुछगोट मार्केट है, हाँ 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 उधर का मार्केट का वीडियो है सर वो। नहीं देखो, आप तो सीधी बात मैं एक बताता हूँ कि मैं जी भी YouTube चैनल पर वीडियो बनाता हूँ, जी सर, जी सर, और बाकी भी बहुत सारे यहाँ पर चैनल पर वीडियो YouTube पे वीडियो बनाने वाले चैनल्स हैं। जी सर, पर एक सीधी सी बात ऐसी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, जी पर सर, मैक्सिमम जो वीडियोस होते हैं ना YouTube पे, वो हाँ थोड़ा एग्जैगरेटेड होते हैं, मतलब जरूरत से अच्छा ज्यादा चीजें उनमें बताई होती है। आप अच्छा सिंपली एक बात, बकरी पालन में अगर हम लोग बात करते हैं, बाकी बातें छोड़ दो आप, जी सर, तो बकरियों की जो नस्लें हैं भारत के अंदर या जो भी भारत के अंदर बाहर से आई हुई नस्लें हैं, उसको अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, तो दो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इनके क्लासिफिकेशन में। एक पहला रहता है बाय प्रोडक्ट, हम लोग क्लासीफाई करते हैं इनको, तो इसमें कुछ नस्लें ऐसी है जो सिर्फ मांस के लिए हम लोग संभालते हैं, जी सर, कुछ नस्लें ऐसी है जो मांस और दूध दोनों के लिए संभालते हैं, कुछ नस्लें ऐसी है जो खाल मोस्टली बालों के लिए संभालते हैं, कश्मीर साइड की जो बड़ी बाल वाली हाँ वो ऐसी हाँ रहती है। तो इन सब बातों को अगर देखते हैं हम लोग, तो उस्मानाबादी ये जो नस्ल है ये सिर्फ मांस के लिए आती है। इसका मीट क्वालिटी अच्छा रहता सर, हाँ, इसका टेस्टी मीट मीट रहता क्वालिटी क्या? अच्छा रहता है। अच्छा और दो दूसरी बात बोली मैंने, जो ड्यूअल पर्पज रहती है मांस और दूध के लिए, ऐसी कुछ नस्लें हैं तो वो अलग नस्ल है, जिसमें सिरोही होगा आपका, बीटल होगा आपका, ये नस्लें जो है ये मांस और दूध दोनों के लिए बनी हुई अच्छा है। ये प्रोडक्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। और दूसरा क्लासिफिकेशन रहता है साइज के हिसाब से, कि एक नस्ल ऐसी है जो बहुत बड़ी साइज में बनती है, दूसरी नस्ल है छोटी साइज में बनती है। बड़ी साइज की जो भी नस्ल है ये मोस्टली ड्यूअल पर्पज है, एक तो ये दूध मांस दोनों देंगे अपने को, तो उस्मानाबादी छोटी साइज की नस्लों में आती है, ये मोस्टली मीट पर्पज के लिए बनती है। अच्छा तो आप अगर ऐसा कहोगे कि नहीं हमें उस्मानाबादी ही इस तरीके से चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कोई अगर बताता है कि भाई हमारे पास ये नस्ल है ना, इतना ऐसा कुछ करती है, तो वो नस्लें एक तो प्योर में नहीं है, या फिर वो नस्लें जो है वो बताई है वो थोड़ा एग्जैगरेटेड बता दिया कि नहीं नहीं इतना दूध दे रही है करके, तो ऐसा हो सकता है। आप मेरे को वीडियो भेजो लगे तो। पर हाँ सिंपल बात, हम लोग साइंटिफिक बेसिस पे देखते हैं सब बातें, तो उनमें ऐसा ही देखा गया है कि भाई नस्लें जो रहेंगी ये पर्टिकुलर हिसाब से ही है और उसी हिसाब से वर्क करेगी, अच्छा तो उनका जेनेटिक है भाई मांस के लिए तो मांस ही बनेगा, हाँ सर, हाँ इनका जेनेटिक है दूध के लिए तो दूध ही ज्यादा बनाएगी, उस हिसाब से ये, और इनका इम्पोर्टेंस ही वही है सर। हमको। और एक बात सर, हाँ अभी हरा चारा के लिए मतलब एक पेड़ समझ लीजिए, एक बकरी 2 बच्चों के साथ एक बकरा हाँ हाँ रखने के लिए ग्रीन फाउडर कौन सा सजेस्ट करते हैं सर? मतलब बुआई के लिए। हाँ सर, हाँ मतलब COFS 31 है ना सर? हाँ, COFS 31 है, पर आपके पास अगर 2 ही जानवर है तो सिर्फ आप रश का लगाओ, जिसको लुसेन बोलते हैं, मेथी घास, हाँ, मतलब ये हेडजुलुसन भी नाम से कुछ है ना नहीं वो अलग रहता है, हेजलुसन जी? अलग है और लुसेन अलग है। हाँ सर, लूसन पूरा एक ही नहीं खिला सकते ना सर, ग्रीन और एक प्रोडर भी चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट वाला जवार जैसा कुछ। हाँ, वो एक भी खिला सकते हैं ऐसे, जब आप उनको दाना देंगे ना अलग से,
जी सर, वो फाइबर वहां से ले लेगी। फाइबर के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स के लिए जो भी नॉन लिग्यूमस प्लांट खिलाते हैं बकरियों में, तो आप वैसे जवार की अगर बात करते हैं तो आपके लिए फिर ये COFS-31 बढ़िया है, सबसे बढ़िया है अभी के हिसाब से तो। COFS-31 और एक ये दशरथ घास बोलते हैं ना सर, मतलब हेज लूसेन उसी को बोलते हैं इंग्लिश। हाँ वो ठीक है ना सर। हाँ वो ठीक है, या फिर रज का लगा उससे अच्छा। हाँ रज का कम का मतलब कटिंग कम आता ना सर, ये कंटिन्यू रह जाता ना। नहीं नहीं बहुत कर, सबसे ज्यादा कटिंग आएगी आपको मेथी घास रज का में, अल्फा अल्फा जिसको बोलते हैं अल्फा, करीबन उसमें कटिंग आती है आपकी 20 दिनों के भीतर ही कटिंग आती है। अच्छा, और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है सर। और ये वाला बोलिए ना सर, वो झाड़ ट्रीज में सेस्बेनिया कुछ नाम से होता ना, एक दो तीन ट्रीज बोलिए ना सर, ये जिसको सेस्बेनिया ग्लैंडी फ्लोरा होता है। हाँ जिसको अगाती बोलते हैं, हादगा बोलते हैं। हाँ हाँ, दूसरा होता है सेस्बेनिया सेस्बेनिया सेस्बिया, जिसको शिवरी बोलते हैं, शिवरी बोलते हैं। ये सब एक ही नाम है ना सर? नहीं अलग अलग है, अलग अलग है। हाँ इसमें दो तीन मेन प्लांट्स बोलिए ना सर, सुबाबुल लगा सकते हैं आप, पर सुबाबुल हाँ। को थोड़ा टाइम लग जाता है कटिंग के लिए और मैच्योर होने के लिए। उससे अच्छा तो फिर ये अगस्ती जिसको बोलते हैं सेस्बेनिया ग्लैंडी फ्लोरा, वो लगा सकते हैं। हाँ। या फिर सेवरी लगा सकते हैं, उससे भी बढ़िया सेवरी रहती है फिर वो ज्यादा का। मतलब और कुछ नाम से मतलब इंग्लिश में या तेलुगु में सेस्बेनिया मैं मेरे को इंग्लिश नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, मैं आपको व्हाट्सएप हाँ। पे डालता हूँ देख के थोड़ा। हाँ सर, ये मतलब एक तो वो ग्रैंडी फ्लोरा बोले और एक सुबाबुल बोले। हाँ ये सर, ये मोरिंगा का कुछ यूज रहता सर? मोरिंगा अच्छे से नहीं खाता है जानवर। अच्छा, उसमें डार्क स्मेल होता है ना जी सर, वो अच्छे से नहीं खाते है। हाँ तो मोरिंगा का प्लांटेशन मत करो आप सर। ये अब अल्फा अल्फा बोल रहे ना सर, कितने दिन का क्रॉप रहता सर ये? पहले तो 65 days में आता, उसके बाद कितने साल तक चलता? ये 1 साल और 3 साल ऐसी दो वैरायटीज में आता है। अच्छा हाँ हाँ सर, अपने पास सीड का फैसिलिटी कुछ रहता क्या सर? आपके सीड्स तो हमारे पास सभी तरह के मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मतलब मिनिमम कितना लेना पड़ता है सर? मिनिमम 1 kg होम डिलीवरी। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू सर। एक मैं वो वीडियो भेज रहा हूँ सर आपको यूट्यूब का। हाँ चलेगा, मेरे को भेजिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेन। हाँ बीच के लास्ट में दो जानवर बताए वो देखिए सर। चलेगा मैं देख लेता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, वेलकम।